बक्सा सेची में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से हमारे कैमरे के माध्यम से कि खचाखच लोगों से भरा हुआ है रेवसा सेची और चीख पुकार से गूंजता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें एक बड़ी घटना की ओर इंगित करती हैं, जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं दो पहिया वाहने और पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। लेकिन मामला जो आ रहा है, मामला सड़क हादसे में जख्मी घायल युवक का है, मामला रविवार का है 12 बजे दिन में, जैसा जो लोगों की जुबानी यहाँ तस्वीरों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा है पूरी बात करते हैं, क्या कारण रहा कि घटना कल 12 बजे की और फिर लगभग 10 बज रहा होगा, दूसरे दिन सोमवार है, और अभी तक क्या हुआ पूरी बात करते हैं इनके घर वालों से, जो यहाँ पर नात रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। बात करते हैं मृतक के भाई से, क्या नाम है आपका? शोभरन यादव। घर कहाँ है? रंडा कोडर सीपतपुर गौढ़ी रंडा कोडर। ये जो मृतक हुए हैं उनका क्या नाम है? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव, ये कौन है आपके? मेरे भाई। तुम्हारा सगा भाई है? छोटा था कि बड़ा? हमसे छोटा। मंझिला? हाँ, हमसे छोटा। सांझिल है। सांझिल है। क्या नाम था? आशाराम। आशाराम। क्या उम्र होगी? उम्र सर 70-80 होगी। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई, एक लड़का है भी, औरत विकलांग। ठीक है, जमीन नामे है इसके? जमीन नामे है। कितनी जमीन सर है? 5-6 बीघा। अच्छा अच्छा, घर कहाँ है इनका? गौढ़ी ग्राम गौढ़ी मजरा रंडा कोड़ा। रंडा कोड़ा। कैसे मौत हुई है इनकी? सर मौत ही लखनऊ गए रहे कमाए। कब गए थे? आज जो 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले गए थे? हाँ, इतवार गए रहे। अच्छा, उसकी बाद में हाँ इनके ससुर खत्म हुए तो वहाँ से नहीं पता गवा, तो वहाँ से आ रहे मिट्टी में। काहे से आ रहे थे? तो बस से आए, गोड़ैचा में यहाँ एक कोई मिल गवा लड़का एक, तो वो मोटरसाइकिल पर बैठ लेन चौहान का लड़का है, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ लेन, उसकी मोटरसाइकिल से और गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा हाँ, उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी कौन थी जिसने ठोकर मारी? जी गाड़ी क्रेटा है। क्रेटा जी। पकड़ी गई मौके पे? जी, मौके पर थानगांव थाने में खड़ी है। अच्छा, घटना कहाँ हुई है? घटना सर मियां पुरवा के थोड़ा इधर 200 मीटर जो रपटा पुल है। हाँ, वही सर बताई जा रहा है, मियां पुरवा के पास रपटा पुल पर जी, जी, हुई है जी। तो ये क्रेटा किधर से जा रही थी? सर अब ये तो क्रेटा इधर से जा रही, लोग उधर से आ रहे हैं तो इधर से जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, घटना कब की है? घटना कल सर 12 बजे की बताई। दिन की? दिन की। तो इतने घंटे बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई या क्या, मतलब जख्मी हालत में पाए इनको कैसे पाए? सर हमका सूचना मिली तब हम 3 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे अस्पताल। अस्पताल? अच्छा। तो अस्पताल में सर ऐसे ही पड़े थे। हाँ। ना कोई दवा ना कोई इलाज, इनके पट्टी बंदी थी खाली। अच्छा। और कुछ नहीं। तो इनके जो यहाँ पड़े थे तो इनके बारे में जानकारी थी अस्पताल वालों को या पुलिस वालों को कि मतलब यहाँ इनका ये नाम है, ये फला जगह रहते हैं? जी ये तो कुछ नहीं जानकारी थी अस्पताल वालों को, जानकारी नहीं थी। जी नहीं जानकारी थी। अच्छा, कहाँ के रहते हैं ये लावारिस में यहाँ रहे, इसे जब वो होश में नहीं रहे तो बताए नहीं पाए। होश में आए बताए। फिर आपके यहाँ जानकारी कैसे है? आप सर मोबाइल पर पहुँचे जब तो फोटो पहुंचा, और वो जो लड़का रहा है साथ में यहाँ उसकी रिश्तेदारी सर हमारे गांव में यहाँ है, लेकिन वो लोग अपन लड़का उठा ले गए, लेकिन ये बात बताई नहीं। तो जब उनके पास कोई पता नहीं सर जेब में, इसीलिए आधार रखा जाता है या कोई पता होता है? पता नहीं, आधार उसके जेब में रहा है, आधार सर गायब है। अच्छा, गायब है आधार सर, गायब है आधार उसके जेब में। तो ठीक है।